العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته तो खुश आमदीद, वेलकम बैक ऑल आर बलागा स्टूडेंट्स, जिनकी बलागा में अब माशाल्लाह हमारा कोर्स मुकम्मल हुआ, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बढ़ गई होगी आपकी जो बयान की वसत, बयान की फसाहत, बयान की बलागत। और आप जब किसी से बात करते होंगे तो ये सोचते होंगे कि मैंने ये जो गर्ज है इस कलाम की वो क्या है, मैं किस अंदाज में बेहतरीन तरीके से पहुंचा सकूं। क्या किसी ने सोचा है इस अमल पर, ये सिर्फ अपना कोर्स से ही मुतालिक सोच रहे हैं? चलें, नहीं सोचा तो फिर सोचना चाहिए, राइट। तो आज हम इआदा रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे ये फील हुआ है कि एक सेशन में रिवीजन बहुत हैवी होगी, शहजाद साहब का भी ख्याल ऐसा ही है। तो दो अंदाज हैं, एक तो किसी ने बात की थी उस पर भी ग्रुप पर भी, कि बेहतरीन अंदाज रिवीजन का ये होगा कि हम इसका यादा करें अपने लेसन्स में, जो आप में से क्यूसी सेवन में है तो क्यूसी सेवन पढ़ते हुए, या कुरान की जनरल जब आप रीडिंग करें तो उसमें अप्लाई करें बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा। तो आज हम शुरू तो करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम आज सारा इसको मुकम्मल ना करें रिवीजन को। तो जहाँ तक हम आसानी से कर सकते हैं हम करेंगे, और जो शुरू यानी बेसिक्स हमारे एक तो क्लियर हो जाए, और ये कि जो उसकी जो पॉइंट्स हैं, जो कि डिटेल्ड पॉइंट्स हैं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते रहेंगे। इट विल टेक मैनी मंथ्स मे बी बाय द टाइम हम उनको अच्छी तरह से उन पे हासिल कर सकें अपनी फरासत। तो आइए, अल बलागा के तीन अवाब हैं बहुत, यानी जिसको तकसीम कर सकते हैं हम बलागा, इल्म उल बयान, इल्म उल मानी और इल्म उल बदीह। तो हमने शुरू किया था लेसन अपना अल फसाहा वल बलागा से। तो फसाद से क्या मुराद है? उम्दा, सादा, आसान, ग्रामर के असूलों के मुताबिक अदा किए गए अल्फाज फसी कहलाएंगे। तो अल्फाज में फसाहत आएगी अगर वो ग्रामर के असूलों के मुताबिक होंगे और अपना माना पहुंचा रहे होंगे मुखातब तक। तो जिस कलाम के सारे कलिमात फसी हों वो कलाम कहलाएगा बलीग, उसमें बलागत आ जाएगी। चूंकि कुरान के तमाम अल्फाज फसी हैं तो कुरान का सारा कलाम ही बलागा है, ये बलीग है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि जब हम कुरान करीम को स्टडी करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट भी कुरान करीम है, तो हम कई दफ़ा ये सोचते हैं कि इन आयात में किस जगह बलागत का इजहार हो रहा है। तो हम उसको दरियाफ्त करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन असूलों को जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, या जिस तरह हमने इस कोर्स में पढ़े। तो दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन। अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें हर आयत में कोई ना कोई पहलू फसाहत और बलागत का मिलेगा। तो कलाम सारे का सारा ऐसा है, और उसकी वजह यह है कि कुरान से बढ़कर कोई फसी और बलाग कलाम है ही नहीं। सो इट इज द अल्टीमेट, इट हैज टू हैव एवरीथिंग। तो यू कैन नॉट से कि उसका कुछ हिस्सा जो है उसमें बलागत है, कुछ हिस्से में नहीं है। हाँ, कुछ हिस्से में ज्यादा क्यों नजर आती है? ये मुतकल्लिम इस केस में अल्लाह सुब्हानहु ताला जिस सब्जेक्ट पे, जिस मजमून पर ज्यादा या किसी वक्त अहमियत या किसी वक्त उसका असर जो है उसको ज्यादा उभार के बयान करना चाहते हैं, नोइंग कि जिसको
ये पहुंच रहा है कुरान, उसको उसकी जरूरत है, तो उस अंदाज से डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। तो बलागत के तीन पहलू हैं, मुतकल्लिम की बलागत, कलाम की बलागत और मुखातब की ज़हनी सलाहियत के मुताबिक होना बलागत। सो आगे चलने से पहले द बेसिक पॉइंट, जो गर्ज, कलाम की गर्ज क्या होती है? कलाम की गर्ज ये होती है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है एक जात से दूसरी जात तक एक मैसेज, पैगाम पहुंचाने का। ये कम्युनिकेशन का एक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऑब्वियसली जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि वो गर्ज जो है उसकी वो पूरी हो सके, तो उस गर्ज को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो पहलू है कि जिसको वो गर्ज पहुंचाई जा रही है वो इस काबिल हो और उसकी उसके अंदर जितनी भी काबिलियत है उसको पूरे उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे लाया जाए और उस कलाम को समझ कर उससे असर कबूल कर सके। इसका मतलब है ये गर्ज पहुंचाने के लिए मुतकल्लिम की बलागत इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो इस बात को समझे कि मैंने ये कलाम जो है जब किसी एक इंसान को अगर पहुंचाना हो तो वो गेयर कर सकता है उस इंसान की काबिलियत के मुताबिक। अब अल्लाह सुब्हानहु तआला ने तमाम इंसानों के लिए और जिन्नों के लिए जिनकी जिनकी कैपेसिटी मुख्तलिफ है, जिनकी जहानत, जिनका असर कबूल करना का मुख्तलिफ अंदाज है, उन सबको जब एड्रेस किया तो उन सब के लिए वो कलाम बलीग हो, ये मौजज़ा है कुरान करीम का। और ये इस तरह पता चलता है कि इंसान जो हर इंसान में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है कि वो बलागत का कौन सा पहलू उस पर असर करता है। कुछ लोगों पे आवाज का असर है, वो जो तरन्नुम है या सजा की जो बात हुई उसका असर है, कुछ लोगों पे कलाम की जो बलागत है उसकी जो फॉर्म समझ में आती है जब कोई बात तकरार से की जाए। तो मुख्तलिफ तरीकों से वही बात अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान की, यानी उसका जो माना है उसको पहुंचाने के लिए जो मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल किए गए, यही हमारी यही बलागत है। और हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम स्टडी ये कर रहे हैं कि हम जब कुरान को पढ़ें तो हम उन तमाम पहलुओं पर गौर कर सकें जिन पहलुओं के जरिए वो कलाम पहुंचाने की गर्ज को वसूल किया जा सके। तो कलाम इटसेल्फ की बलागत जो है वो जितना बलीग मुतकल्लिम होगा उतना ही वो कलाम में बलागत ला सकेगा और उसके जरिए वो पहुंचा सकेगा। तो बलागत का जो मजमून है बहुत तफसीली है, इतना तफसीली है कि उसका यानी अभी एंड नहीं है। इंसान फर्दर कुरान करीम के डेप्थ में जाकर फर्दर तलाश कर सकता है कि ये बलागत किस अंदाज में है। और अभी आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो और अंदाज से देख रहे हैं, कभी वो पहलू देखने के शुरू मजमून कैसे हो रहे हैं, आखिर कैसे हो रहा है, कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, मुख्तलिफ मजामी कुरान के मुख्तलिफ स्टेजेस पर कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट टू बी लर्नड, दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस इल्म। अब हमारा जो कोर्स था इसमें बहुत ब्रीफ अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में बलागत की बात की गई। वजह उसकी ये है कि बलागत का जो जो सही मकाम पता चलता है वो अशआर के जरिए, वो भी अरबी के अशआर, और वो भी उन लोगों की गुफ्तगू जो कि जिनका तल्लक ही इस कलाम यानी इस अरबी से है। हमने उन पहलुओं को डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ उन पहलुओं को देखा है जो हमें नजर आया है कि कुरान की अरबी को समझने के लिए हमारी आसानी पैदा हो, इसलिए ये मुख्तसर है और ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तीन एरियाज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इल्मुल मानी यानी जो जो मानी जो पहुंचाना चाह रहे हैं हम कलाम के जरिए, वो एक ही जो है मजमून है लेकिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ जहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो उनका मफहूम मुख्तलिफ तरीके से अदा किया जा सकता है। यानी मजमून तो यह कि जायद खड़ा है फर्ज किया, लेकिन अब उसका खड़े होने को कैसे इजहार किया जाएगा, जायदुल कामा, जायद अब कामा से मुराद वो खड़ा हुआ, तो जायदुन खड़ा खड़ा हुआ है या खड़ा हुआ जायद है, जायदुन कायमुन, जायद इस वक्त खड़ा हुआ है, इस वक्त यानी ही इज इन द स्टेट ऑफ कामा में वो खड़ा हुआ, तो जायद खड़ा हुआ।
और काम जाइदुन खड़ा हुआ जाइद, स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। तो आप कभी तो यूज करेंगे कामा जाइदुन जब आपने एम्फेसाइज करना है उसके खड़े होने की चीज के कौन कौन खड़ा है, कि जाइद क्या कर रहा है, कामा जाइदुन। और कई दफा आप कहना चाह रहे हैं कि जाइद पर एम्फेसिस करना है तो जाइद खड़ा है, जाइद यानी कामा जाइद, जाइदुन कामा। तो ये बन जाएगा जुमला इस्मिया और कामा जाइदुन बन जाएगा जुमला फेलिया। तो ऑटोमेटिकली मीनिंग में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वॉन्ट टू यूज इट। और जाइदुन का इमुन टोटली डिफरेंट बन जाएगा हमारे लिए, कि इसके अंदर दोनों साइडें इसम हैं, मुब्तदा भी और खबर भी। तो ये तीनों जुमलों का मफहूम जो है मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तरह से अंदाज बयान किया जाएगा, जबकि इल्मुल बयान में एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करने का फन। जाइदुन आप कहना चाहते हैं कि बहुत सखी है, लेकिन आप सहारा लेते हैं ऐसे अल्फाज का कि जिसको पहुंचा रहे हैं उसके उसके जहन में पक्का बैठ जाए, जाहिद करीम उन सखी उन जवाद उन सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी सिनोनिम्स के जरिए उसी वो जिस चीज को आप उस तक पहुंचा रहे हैं। और इल्मुल बदी जो है ये आप समझें कि इल्मुल मानी और इल्मुल बयान दोनों को एड्रेस करता है कि दोनों के अंदर उसकी खूबसूरती को उसकी जीनत को कैसे उभारा जाए और इसके डिफरेंट अंदाज से किया जा सकता है। तो उस कलाम में मसलन या युल मुद्दसिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, तो यू कैन ऑल सी किस तरह ये रा पे कंप्लीट हो रहा है। तो अगर माना भी समझ में आ रहा हो और इसकी जो तासर भी, तो इंसान जो है ना इससे फायदा उठा सकता है ऐसे कलाम से। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि सबसे पहले हमने इल्म उल बयान पढ़ा, यानी साफ रोशन वाजह गुफ्तगू। एक लफ्ज को मौजू और मौजू के स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं लिखे हुए, मेरे ख्याल मौजू से मुराद हमारा मोस्ट सूटेबल और मुनासबत के जरिए कई माने पैदा कर लेना। तो जज्बात की बेहतरीन अकासी के लिए ये अंदाज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके चार मुख्तलिफ पहलू हैं, तशबीह, इस्तेआरा, किनाया और मजाज मुरसल। जबकि इल्म उल मानी में हम अदायगी का अंदाज माने के एतबार से जिसके जरिए उसको मजीद वाजिया करके पहुंचाया जा सके, यानी जुमलों की मुख्तलिफ अंदाज से बनावट, जैसे हमने बात की कामा जाइदुन जाइदा कामा कामा जाइदुन अंदाज से, या जाइदुन काइमुन। और इल्म उल बदी लफ्जी और मानवी, यानी इन दोनों इल्म उल मानी और इल्म उल बयान को मजीद तासीन और तज़ीन से उसको पेश किया जाए। तो इल्म उल बयान को पहले ले लेते हैं जिसको हमने पहले पढ़ा था, और ये हमें चार इसके बेसिक मौजू हैं, तशबीह, इस्तेआरा, किनाया, मजाज, मुरसल। तो आइए इनको देखते हैं। बलागत को जरा एक और अंदाज में भी हम कर लेते हैं डिस्क्राइब, बल्कि ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, कि हमारे अंदर जो अफकार और जज्बात और ख्यालात होते हैं उनको किसी और तक पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीका इख्तियार किया जाए। सादा अल्फाज में बयान कर दिया जाए तो कई दफ़ा वो काफ़ी नहीं होते, वो अपना मैसेज पहुंचाते नहीं हैं। तो ऐसे मौके पर हम ये बलागत का फन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी गुफ्तगू मौसर हो जाए। तो बलागत फिर क्या हुआ, पेश करने का वाजिया और मौसर तरीका जिसमें मुनासिब और मौजू अल्फाज इस्तेमाल करके बात को पेश किया जाए, जबकि अल्फाज के जबान के असूल और कवायद का भी लिहाज रखा जाए। अगर चाहे बिलीव के जब एक पॉइंट पहुंचता है बलागत में तो वो असूलों को ब्रेक कर दिया जाता है या उनमें नरमी कर दी जाती है, और ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कलाम का माना किस अंदाज में असरअंदाज तरीके से पहुंचाया जाए। अंदाज़े बयान जो दिल पर असर करे और जो मुतकल्लिम बात करना चाहता है जो गर्ज है, यानी अगर डराना चाहता है तो वो डर जाए, शौक दिलाना चाहता है तो शौक पैदा हो जाए, जो पैगाम देना चाहे उसको कबूल करने की मैक्सिमम सलाहियत उसमें पैदा हो, ताकि उसके पास एक्सक्यूज कोई ना हो। यानी अगर कह दिया जाए कि जी क्विज होगा अगले वेंसडे को, तो क्या ये बलीग कलाम है जी? एनी कमेंट्स?
आप कह सकते हैं कि नहीं ये तो वाजिया भी नहीं है कौन सा वेंसडे होगा और किस हद तक ये कलाम बला यानी कलाम की बलागत जो है उसकी गर्ज होनी चाहिए, वो गर्ज उस तक पहुंच सके कि क्या लोगों को वो मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। बलागत की बेहतरीन मिसाल कुरान करीम, क्योंकि खालिक अल कायनात जो है उसने इसको मुरतब किया है ऐसे अंदाज में, न ज्यादा तफसील है न ज्यादा मुख्तसर है, जो मुखातब है जो मैक्सिमम उससे फायदा उठा सकता है उसी अंदाज में बात की गई है। उस जमाने के लोग जो थे उनका ज्यादातर नेचर से ताल्लुक था, सितारों को देखते थे, फितरत के मनाजिर को देखते थे, तो ज्यादा जो तरीका इस्तेमाल किया गया उनको समझाने के लिए वो नेचर को यूज किया गया। सहरा में रहते थे, रास्ता तलाश करने के लिए सितारे इस्तेमाल होते थे तो वही तरीका इस्तेमाल किया गया। माल उनके चौपाए उनका माल थे और उसी अंदाज में ऊंट खाने में खजूर का दूध का इस्तेमाल, तो वही चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होती थी। तो आज के बलागत का यानी किसी को पेश करना चाहें तो इसकी तफसीर इस अंदाज में होनी चाहिए जो आज के यंग जनरेशन को या जनरेशन को जो है इफेक्टिवली ये बात पहुंचाई जा सके। तो इसका मतलब है रेगुलरली इसी मजमून को पेश करने के लिए हर जमाने में ज़रूरत पड़ेगी उस जमाने के एतबार से कि क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है उन लोगों की ज़िंदगी में जो ज़्यादा चीज़ें हैं उसी के जरिए। यानी आजकल के ज़माने में थ्रू इंटरनेट, थ्रू पिक्चर्स, थ्रू AI और थ्रू जो चीज़ें उनको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ज़िंदगी में उसके ज़रिए हम असबाब को पेश करें। इल्मुल बयान, किसी बात को कहने के लिए अल्फाज का सहारा चाहिए, यानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ जो जुमला है वो बयान है और लुगवी माना है खोलना, वाजिया करना। तो अल्फाज की बनावट, उसका चनाव, तो ऐसा इल्म जिसके जरिए एक ही बात अलग अलग सलीके से कहने की सलाहियत पैदा हो जाए, जैसे हमने भी एग्जांपल में देखा है। इल्मुल बयान से समझने में मदद मिलती है कि जो कलाम कहा जा रहा है वो अपने माना और मफहूम को वाजिया कर रहा है, यानी वाजिया करने के लिए उसमें एडिशन या उसमें मुख्तसर अंदाज, यानी उसमें से पेचीदगी निकाल दी जाए और मुश्किल ख़त्म कर दी जाए। तो कलाम की शक्ल पर दो तरह से है, ज़ाहरी हैयत और शक्ल और मजमून के एतबार से वो क्या बता रहा है। तो यानी एक उसका स्ट्रक्चर हाउ इट कैन बी चेंज्ड और एक उसका मीनिंग, और यही दो एरियाज हैं, एक इल्मुल बयान है और एक इल्मुल मानी है। यानी ज़ाहरी हैयत और शक्ल में अल्फाज और अल्फाज से बने हुए जुमलों से जो बहस हो रही है ये इल्मुल बयान है, और इसका बयान करने का अंदाज तशबीह, मजाज, इस्तेआरा और किनाया शामिल है। जबकि मजमून में माने का जो मफहूम है उससे जब बहस हो रही हो तो इल्मुल मानी कहलाएगा, अल्फाज के जरिए अदा किए गए माने और मफहूम को एक बेहतर अंदाज में पेश करना। तो एक दफा इन चारों को देख लेते हैं, ये चारों हैं जो कि इल्मुल बयान का हिस्सा है। तशबीह, किसी एक चीज को या किसी शख्स को किसी दूसरी चीज या शख्स के साथ के जैसा बयान करना, यानी किसी एक चीज को जिसको आप समझाना चाह रहे हैं उसको किसी ऐसी चीज के साथ बयान करना कि जो जिसके लिए बयान किया जा रहा है उसको उस चीज से जिसके साथ बयान किया जा रहा है रिलेशन में उसके मुतालिक इल्म हो, और उन दोनों चीजों में जिस चीज के बारे में बात की जा रही है और जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उन दोनों में कोई सिफ्त मुश्तरक हो, और उस शख्स जिसके लिए बयान की जा रही है उसको इस बात का इल्म हो कि जिस चीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसमें वो सिफ्त ज्यादा है, तभी तो उसके साथ कंपेयर करके ये बात समझाई जा रही है कि वो शख्स सिर्फ बहादुर ही नहीं है, वो शेर जैसा बहादुर है। तो हमारा जो क्लासिक एग्जाम्पल हमने यूज किया था, ज़ैदुन कल असद फिश शुजाअती, यानी ज़ैद जो है हम उसकी बहादुरी बताना चाह रहे हैं कि कितना बहादुर है। तो गर्ज क्या है बहादुरी बताना, तो किस अंत कैसे बताएंगे उसको, हम शेर के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि बताने वाले को पता है, ये मारूफ है कि शेर बहुत बहादुर होता है, तो अगर ज़ैद शेर की तरह बहादुर है इसका मतलब है ज़ैद जो है बहादुर है। ये जरूरी नहीं है कि वो उतना ही बहादुर है, मैंने हू बहू नहीं लेकिन
उसका जो रिलेशन है शेर जैसे बहादुर है लाइक द लायन। इस्तियारा, मजाज मुरसल और किनाया, इन तीनों में एक जो बात मुश्तरक है वो है कि हम अब बात कर रहे हैं अल्फाज के हकीकी मानों में और मजाजी मानों में। यानी किसी अल्फाज के गैर हकीकी माने को हम कहेंगे मजाजी माना, यानी उसका वो माना नहीं जिस माने के लिए उस लफ्ज को तरतीब दिया गया था ओरिजिनली इन ग्रामर, लेकिन उस अल्फाज ने और माने भी अडॉप्ट कर लिए जो सेकेंडरी मीनिंग्स हैं, तो हम कहेंगे ये मजा एक हकीकी माना और एक मजाजी माना। तो जब हम किसी अल्फाज के गैर हकीकी यानी मजाजी माने में इस्तेमाल उसको करें तो यह इस्तेआरा है, लेकिन उसका हकीकी माने के साथ एक ताल्लुक होना चाहिए, तशबीह का ताल्लुक है। जैसे जैद और शेर की बात हो रही है तो उन दोनों में एक तशबीह का ताल्लुक है, लेकिन तशबीह में तो हम हकीकी माना इस्तेमाल करें, हम हकीकी माने को कह रहे हैं कि वो गैर हकीकी के जैसा है, जबकि इस्तेआरा में हम दोनों अंदाज में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला अंदाज जिसकी बात की जा रही है कि गैर हकीकी जो उसका माना है उस माने को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज इफ यही उसकी सिफत है। जैसे कि अगर कहा जाए शेर मैदान में आ गया और हमें नजर आए कि असलम मैदान में आ गया है, तो हम कहेंगे ये क्या बात है, कहा तो जा रहा था शेर मैदान में आ गया लेकिन असलम आ गया। इसका मतलब ये है कि असलम जो है वो हूबहू शेर की सिफात लेकर आ गया है, तो यहाँ पर शेर अपने यानी शेर अपने हकीकी माने में है, लेकिन असलम जो है यानी या शेर जो है ना अपने गैर हकीकी माने में सॉरी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां तो असलम मौजूद है, तो असलम और शेर में तशबीह का ताल्लुक भी है और शेर की तमाम जो खूबियां हैं वो हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें असलम में मौजूद हो। तो यानी कौन सा स्ट्रॉन्गर हुआ फिर इस्तेआरा में, इज ए मच स्ट्रॉन्गर वर्ड अगर आप बताना चाह रहे हैं उसकी बहादुरी किसी की, तो यानी ये ज्यादा बलीग कलाम है। तशबीह में इट इज अ कंपैरिजन की जी ये शेर जैसा है, जबकि हमने इस्तेआरा में उसको शेर बना दिया असलम को। अब मजाज मुरसल को भी देख लें, यहां पर भी इस्तेआरा की तरह ही हम अल्फाज के गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसका हकीकी माना के साथ ताल्लुक तो है लेकिन वो तशबीह का ताल्लुक नहीं होगा बल्कि कोई और ताल्लुक होगा। मसलन बादल की गरज सुनते ही उन्होंने कानों में उंगलियां डाल ली, तो इसका मतलब है बात ऐसी बताई जा रही है कि इतनी जोर की गरज थी, इतना खौफ था कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि कानों में उंगलियां डाल ली, लेकिन उंगलियां तो डाली ही नहीं जा सकती, और ही डाले जा सकते हैं, लेकिन मुराद ये है कि हमने एक गैर हकीकी माने को इस्तेमाल किया उसकी बात की वजाहत करने के लिए, फसाद बयान करने के लिए, ये इल्मुल बयान का एक अंदाज है, इसको भी देखेंगे तफसील से। और तीसरी बात थी किनाया, यहां पर भी गैर हकीकी माना को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस तरह के ऐसा लफ्ज जिसका एक हकीकी माना हो, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्ट किया गया हो और वो मुराद ली जा सके, लेकिन मुराद हमारी हो उसका वो गैर हकीकी माना यानी वो माना यानी जो कि इसके लिए इशारा मौजूद हो, और मुराद भी वो माना हो जो उसका मजाजी माना हो, यानी इशारतन हम उस इशारा कर रहे हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि एज इफ वो हकीकी माने में इस्तेमाल हो, लेकिन अब मुराद आपकी हकीकी माने से नहीं है बल्कि उसके इशारतन जो आपने उसमें एक इशारे के जरिए हम मजाजी माना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चार अंदाज है इल्मुल बयान के, आइए इनको बल्कि आगे जाने से पहले एक ओवरऑल स्लाइड हम देख लेते हैं, बल्कि इसको तो हमने इस अंदाज में नहीं पढ़ा था, हमने तो सिर्फ मेन आइडियाज तशबीह को हमने ब्रेकअप किया था मुफरद और मुरक्कब में, और इसमें भी मुफरद से मुराद ये है कि हमने दो अल्फाज इंसान या चीज़ों का आपस में कंपैरिजन पे बात की थी, और उस पर हमने कहा था कि इनको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम तफसील से देख लेते हैं। और मुरक्कब में हमने एक ही एग्जांपल लिया था, वो तमसील वाला अंदाज, कि जबकि मुफरद में तो लफ्ज वर्सेस लफ्ज है, तो मुरक्कब में तमसील में कोई एक मंजर
का मुकाबला किसी एक मंजर से या मुरक्कब या मुफरत का भी कंपैरिजन एक मुरक्कब से हो सकता है, यानी एक पूरा मंजर पेश किया जाए, मंजर वर्सेस मंजर, और इसकी बहुत सारी मिसालें कुरान में। इस्तियारा में हमने दो अंदाज से इस्तियारा को पढ़ेंगे। इस्तियारा जो है ना, याद रखें, ये वो बलीग शक्ल है तशबीह की, यानी एक तो था ना कि जैद बहादुर है शेर की तरह शुजात में, बहादरी में, और एक ये है कि इसका बलीग तरीन पहलू ये है कि जैद शेर है, हकीकतन शेर नहीं है, लेकिन तशबीह का ये सबसे बलीग कलाम था कि उसको हमने शेर जैसा कर दिया। इस्तियारा वन स्टेप अप है। इस्तियारा में आप कहेंगे शेर और जैद को हजफ कर देंगे और मुराद शेर से लेंगे जैद को, इसको कहेंगे तसरीहिया, यानी अगर आप मुशब्बा पहले वाले को हजफ कर दें और दूसरे वाले को हजफ कर दें, मुशब्बा भी को सर मुशब्बा मेंशन कर दें, तो ये भी इस्तियारा हो गया और ये कहलाएगा मकनिया। तो इन टर्म्स को भी रहने दें, इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे, हम इसके और एग्जांपल्स देख लेंगे। और नेक्स्ट आ गया मजाज। मजाज में हमने ये बात की थी कि आपस में जो ताल्लुक है वो तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक है, और इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन हमने चार या पांच पे बात की थी, यानी जुज कहकर कुल मुराद लेना, कुल कहकर जुज मुराद लेना, सबब कह के मुसबब मुराद ले लेना, मुसबब कह के सबब, इसके मैनी एग्जांपल्स हैं और हम इसको चल के देखेंगे। किनाया के बारे में हमने एक ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की थी। तो आइए देखते हैं एक अरकान तशबीह को कैसे स्प्लिट करते हैं, कौन कौन से जो है ना इसमें अरकान है। मुशब्बा, जिसे तशबीह दी जाए, यानी जैसे जायद है, मुशब्बा भी जिससे तशबीह दी जाए, जैसे कि अल असद शेर है। वजह और तशबीह, उन दोनों में क्या वजह मुश्तरक है सिफत की जिसकी बिना पर तशबीह कायम की जा रही है, और यहाँ पर वो सिफत जो है वो बहादुरी की सिफत है। और अदात और तशबीह, अगर हम उसमें यूज करें का, अन्ना या कोई भी ऐसा लफ्ज जिससे कनेक्शन का इजहार हो। एक पांचवी चीज भी हमने स्टडी की थी, होती गर्ज और तशबीह। गर्ज से मुराद है कि तशबीह बनाई क्यों जा रही है। तो कई दफा तो आप कह सकते हैं जो वजह और तशबीह और गर्ज और तशबीह एक ही है, लेकिन जरूरी नहीं है। वजह और तशबीह वो मुश्तरक सिफत है जो दोनों चीजों में मौजूद है कंपैरिजन के लिए, जबकि गर्ज यह है कि आपकी मुराद क्या है, यानी उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे कि जिस वजह से इस कलाम को इजहार किया जा रहा है वो गर्ज है उसकी, यानी किसी को किसी की बड़ाई बयान करनी है, ये गर्ज हो सकती है। इसलिए बहादुरी से कंपेयर किया जा रहा है कि जो बहादुरी में बड़ा होगा। फर्ज क्या, गर्ज यह है कि भाई जो शख्स शेर को मार देगा उसकी उसको जो है ना बादशाह अपनी बेटी जो है ना वो उसके साथ उसकी शादी कर देगा। तो फिर अब गर्ज क्या हुई, गर्ज हुई प्रिंसेस के साथ निकाह। और मुश्तरक जो वजह आपस में मुश्तरक है वो क्या है, वो उनकी सिफत है बहादुरी की, शेर की और सैद की। इस अंदाज में गर्ज और तशबीह बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि वो कंस्ट्रक्शन क्यों है। तो तशबीह की इकसाम में हमने बात की थी, दो इकसाम है, तशबीह मुफरद और तशबीह मुरक्कब। मुफरद से मुराद लफ्ज को लफ्ज से तशबीह दी जाए, जबकि मुरक्कब से मुराद यानी एक मुरक्कब को दूसरे मुरक्कब के साथ, एक मंजर को दूसरे मंजर के साथ। नोट, मुशब्बह बिही में सिर्फ मुशब्बह से ज्यादा होगी, हमने इसकी बात आप कर ली है, तभी वो वैलिड रहेगा। और वजह तशबीह मुखातिब और मुतकलम दोनों के लिए जानी पहचानी होगी तभी ये। तो इस अंदाज में आप देखें ना, जब जब बात की जाती है किसी को कहा जाए कि तुम चांद जैसे हो या फलां शख्स चांद जैसा है, तो दोनों को पता है कि मुराद यहाँ पर जो है वो दोनों में खूबसूरती है, उसको साथ कंपैरिजन की जा रही है, और चांद में ज्यादा है इसलिए चांद के साथ की जा रही है। अच्छा, अब हमने कुछ टर्म्स भी सीखी थी। हमने कहा था कि जी अगर अदात और तशबीह मौजूद हो तो ऐसी तशबीह को तशबीह मुरसल कहेंगे, और अदात और तशबीह मौजूद ना हो तो तशबीह मुअक्कद कहेंगे। याद रखें, जितने सेंटेंस छोटा होता जाता है उतनी बलागत बढ़ती जाती है। तो अगर अदात और तशबीह नहीं होगी तो वो कलाम ज्यादा बलीग होगा। तो एक तशबीह मुरसल है, एक तशबीह मुअक्कद।
तो जो ये ज़हन में रखें कि जब हम इस्तेआरा पे जाते हैं तो वहां पर यही लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वहां पे अदा तो तशबीह नहीं होगी, क्योंकि वो तो बलीग से भी नेक्स्ट लेवल दर्जे की बात हो रही है। दूसरी हमने बात की थी कि वजह के एतबार से कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करें। अगर तशबीह में वजह तशबीह मौजूद है तो वो तशबीह मुफस्सल कहलाएगी, जैसे जाइदुन कल असद फिश शुजा, इसमें तो सब कुछ मौजूद है। देखें कल असद है तो ये मुरसल भी है, राइट, और इसके अंदर वजह तशबीह भी मौजूद है तो ये मुफस्सल भी है। जबकि मुजमल तब कहलाएगी जब उसमें वजह तशबीह मौजूद ना हो। अब जाइदुन कल असद में अदा तो तशबीह मौजूद है तो ये मुरसल है, लेकिन इसमें वजह तशबीह भी मौजूद है, सॉरी वजह तशबीह मौजूद नहीं है, फिशुजा मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसी तशबीह कहलाएगी मुजमल भी और साथ ये मुरसल भी है, क्योंकि इसके अंदर अदा तो तशबीह है, राइट। तो यानी कि दो अंदाज से होगा। नेक्स्ट लेवल पर अगर आप जाएं, अच्छा यहाँ पर पहले दोबारा किस अंदाज से हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अदा तो तशबीह मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो मुरसल है, नहीं मौजूद है तो मुअक्कद है। अब मुरसल और मुअक्कद अगर एक दफा हो गई, अब हम देखेंगे वजह तशबीह की बुनियाद पर उनको परखा जाए। अगर वजह तशबीह मौजूद हो तो मुफस्सल है, ना हो तो मुजमल है। तो अगर आप देखें कि अदात व तशबीह भी उसमें ना हो और उसके अंदर वजह तशबीह भी ना हो, तो फिर उसमें सिर्फ दो चीजें रह गई, मुशब्बा मुशब्बा भी ही। तो ऐसी तशबीह जिसको हमने कहा कि ये मुजमल है और मुअक्कद है, राइट, इसका एक नया नाम होगा तशबीह बलीग, जिसमें सिर्फ दो ही चीजें रह गई, बाकी दो चली गई। मिसाल कुरान से कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया वो याकूत वो और मरजान है, तो कअन्ना अदातु तशबीह है, हुन्नल मुशब्बा, राइट, तो और यहाँ पे मुशब्बा भी याकूत वल मरजान, वजह तशबीह मौजूद नहीं है, तो वो माजूफ है। वो है वैसे क्या, हमें वजह तशबीह जो है हमेशा अगर नहीं दी हुई तो हमने ये लास्ट टाइम लर्न किया था, हम इसमें से पहचानेंगे, ये हम वजह तशबीह जानेंगे तो तदब्बर का फायदा होगा। ये क्यों कंपेयर किया जा रहा है, यानी उन याकूत के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है, किसको कंपेयर किया जा रहा है, आई थिंक हूरों की बात हो रही है, यानी उनका साफ चमकदार रोशन, आई एम नॉट श्योर किसके साथ की जा रही है वैसे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, अच्छा तो यहां पर ये कट एंड पेस्ट में गोए वो याकूत मरजान नहीं है, बल्कि उनको जालहुम कअस्फिम कर दिया गया है, भूसे की तरह खाया हुआ। तो हम यहाँ पे मुशब्बा और किसके साथ कंपेयर की जा रहा है, मुशब्बा भी ही, और अदात तशबीह भी मौजूद है लेकिन वजह तशबीह मौजूद नहीं है। और वजह यहाँ पर क्या है कि उसकी कमजोरी या हकीर होने को बताना। और फर्दर मिसालें भी हैं, इनको मिसालों को आप एक नज़र देख सकते हैं, बट वी हैव डन दिस इन डिटेल। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलाम, आवाज नहीं आ रही, सर का डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट, ज्वाइन कर लेंगे।
السلام علیکم شہزاد صاحب. میرا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا انٹرنیٹ چلا گیا تھا تو یہ اب میں کنیکٹ ہوا ہوں. تو کیا شہزاد صاحب آپ موجود ہیں؟ کیا آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. اچھا ہو رہی ہے اسکرین شیئر یعنی, اور آواز بھی آ رہی ہے؟ نہیں سر اسکرین شیئر نہیں ہو رہی سر. نہیں ہو رہی ہے. اب ہو رہی ہے شیئر؟ جی سر آ رہی ہے. آ گئی. جی اب ہو رہی ہے. اور آواز بھی آ رہی ہے. اور آئی گیس شہزاد صاحب آپ موجود ہیں؟ جی سر. جی سر. جی سر. اچھا آئی ایم سوری. میں اجازت بھی لینا چاہوں گا سر, مجھے کال آئی ہے, اگر میں لیو کر دوں. چلے شیور آپ جا سکتے ہیں. اور جہاں پر میں ہوں یہاں پہ سگنل بھی کوئی نہیں ہے فون کے, اور انٹرنیٹ جو ہے وہ کبھی کبھی پرابلم دے رہا ہے. تو سوری اباؤٹ دیٹ. تو ہم آج کوشش کریں گے جتنا کر سکتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے ہم کنٹینیو کریں گے. ایک مثال لے لیتے ہیں تشبیہ تمثیل کی, اور ایسی تشبیہ کا استعمال جو ہے نا قرآن میں کافی زیادہ ہوا ہے. اور اس مثال میں تشبیہ تمثیل میں ایک منظر کو دوسرے منظر کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے, اور اس کے بیان میں ایسے بیان میں کافی تفصیل پائی جاتی ہے. تو اس کا جو اگزامپل سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ اعجاز نخل خافیہ. تو کون کرنا چاہے گا اس کو, اگر ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ کس طرح سے یہ تمثیل ہے اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے, کوئی کوشش کرنا چاہے گا؟ یعنی یہ ایکچوئل پریکٹس ہوگی نا تھیوری کو چھوڑ کے. جی سسٹر فریہ آپ کر دیجیے پلیز. جی اس میں سر ہم دیکھتے ہیں نا کہ تشبیہ کے وہ دو طرفین کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. تو پیچھے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں اگر ہم یہاں سے صرف دیکھ لیں کہ القوم فیہا صرعا, تو قوم مطلب ایسی حالت میں تھی کہ پچھاڑے ہوئے تھے وہ لوگ نا, پھینک دیے گئے تھے ایک طرح سے. تو اب یہاں سے ہم اپنے اگر صرف تشبیہ کے وہ جو ہم نے ارکان وغیرہ پڑھے ہیں ان کو اپلائی کر لیں تو اس سے صحیح ہے. مشبہ مشبہ کون کیا بنا؟ مشبہ جی سر مشبہ پھر القوم بھی ہو سکتا ہے. القوم ٹھیک ہے کیونکہ صرعا تو اس کی حالت ہے نا. تو اس کے بعد کا اس میں ادات و تشبیہ استعمال ہوا ہے کا, اور اس کے بعد ویسے سر انہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس کو بھی ہم مشبہ بنا سکتے ہیں. اسی کو ایکچولی القوم کو ہی ریفر ہو رہی ہے تو آپ اچھا ہم کو بالکل کہہ سکتے ہیں. بالکل یعنی میں نے القوم کو رکھا تھا پہلے لیکن ان کا نام جب آ گیا تو اٹ از ریفرنگ جی. ہم ریفرنگ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کانا یوز ہوتے ہیں نا تو یہ نارملی ایک طرح سے تھوڑا سا پہلے آ جاتا ہے, تو کانا کے ساتھ جو اٹیچڈ ضمیر ہوتی ہے نا اس کو بھی ہم مشبہ بنا لیتے ہیں نا. تو پھر اعجاز نخلن جو ہے یہ اضافہ کنسٹرکشن ہے, تو ویسے یہ مشبہ بھی بن رہا ہے جس کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے اس قوم کے لوگوں کو کہ وہ کھجور کے تنوں کی مانند ہوں گے. اس کے بعد خاویہ تو ایک الگ بات ہے کہ خاویہ کو اس کے ساتھ ملائیں, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, خاویہ کے آنے سے پوزیشن بالکل چینج ہو جاتا ہے. زور دینے کے لیے کہ وہ کھجور کے تنے عام تنے نہیں ہیں بلکہ وہ تو کھوکھلے تنے ہیں نا. تو کیونکہ یہ تشبیہ تمثیلی ایک چونکہ اس کی مثال ہے لہٰذا اس میں جو آس پاس کی
चीजें होती हैं लाइक ऐसे अल्फाज, तो वो उस पूरे वाक्य में एक असर डालते हैं, एक रंग भरते हैं और उसमें एक तासीर मजीद पैदा होती है, और यही इसका मकसद भी होता है। अदरवाइज तो जो मुफरत से मुफरत की तशबीह है वो तो बहुत मतलब आम है, लेकिन कुरान में ये जो तमसीली तशबीह है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और अब तो बहुत ही समझ आ रहा है। इसको जरा और रिपीट करें जो बात आपने की है ना, कि जो खावियतिन है ना, ये वो मंजर कशी कर रहा है दिस वर्ड, क्योंकि और सर पीछे भी मंजर कशी एक्चुअली पीछे वाली भी थी सारी ना, पीछे भी है, पीछे भी सारी वो जो कौम आद है कि तेज हवा से गारिक कर दी गई और हवा ऐसी थी कि वो सात रातें आठ दिन चलती रही उन पे मुसल्लत रही वगैरह, तो वो भी एक पूरा मंजर पहले बनाया जिससे पूरी एक तवज्जो उस तरफ मरकूज हुई, फिर वो बताया कि वो कौम जो है वो इस तरह से उलट गई गोया के पड़ी हुई थी, कैसे के खजूर के तने थे और वो भी कैसे तने के खोखले थे। तो अरकान के लिहाज से तो हम अरकान को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौम है एक तरफ मुशब्बा और मुशब्बा बही जो है वो एजाज़ नखलें, लेकिन फिर ये है कि हमें अदातु तशबीह भी मिल गई और वजह तशबीह भी हम इसकी अगरचे इसमें मौजूद नहीं है लेकिन उनका एक तरह से उनके लिए हकारत का या वो उनकी जो उनका अंजाम ऐसा हुआ मतलब अल्लाह ताला का जो उनके ऊपर गुस्सा था सब कुछ है, तो वो वजह तशबीह उनके अपने अमाल की वजह से जो अल्लाह ताला ने उनके साथ किया। वजह तशबीह इसमें है मौजूद एक तरह से, अगर आप देखें ना सर आ तो जो बिछाड़ना है ना, ये वजह तशबीह इस तरह बनती है कि दो बिछाड़े हुए एक तरफ लाशें हैं और एक तरफ तने हैं, दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं वजह तशबीह तो मतलब ये कह सकते हैं कि अल्फाज में नहीं है लेकिन मानवी तौर पे ऑब्वियसली हम इन्फर कर रहे हैं ना कि वजह तशबीह को, लेकिन सर आ का क्या मतलब लिया, सर आ का इन्होंने क्या या मीनिंग लिया है, क्या ये बिछाड़ा हुए नहीं मतलब माना इसका, सर माना तो है पिछाड़े हुए लेकिन एक तरह से इस कौम का हाल नहीं है, अल कौम फीहा सरआ जो मुझे लास्ट डिस्कशन से याद है वो ये है कि ये तो This is a comparison between जो लाशें हैं वो वाली उस कौम की, उनको कंपेयर किया जा रहा है, उन लाशें जो है वो भी बिछड़ी हुई पड़ी हैं और जो दरख्त है ये बिछड़े हुए पड़े हैं, दोनों में जो मुश्तरका सिफत है वो ये है कि बिछड़े हुए पड़े हुए हैं और इनको जो जो नखलिन खाविया है वो बहुत ज्यादा दे रहा है मीनिंग के जी आम लाशों की तरह नहीं है, यानी जिस तरह के दरख्त अब खोखले दरख्त होने में कितना टाइम लगता होगा, बारिशें कितना जमाना गुजर जाता होगा, दरख्त गिरता गिर पड़ा रहता होगा, तो उसको खोखला दरख्त तना देखकर एहसास होता है इतना पुराना घिसा पिटा खत्म हुआ तो लाशें उस जैसी हैं, हालांकि लाशें तो अभी 7 दिन हुए थे उनको लाशों को, तो दूसरी जो बात कौम आद की मतलब उनके अंदर जो गरूर और अपनी वो सारी था कि जो उनकी जिसामत और उनकी ताकत और सब कुछ था, तो जाहिर है कि वो सारा कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है कि वो एक वक्त में ये सब कुछ सोचते थे अपने बारे में और चूंकि उनके अमाल जो है वो दुरुस्त नहीं थे तो अल्लाह ताला ने फिर उनका अंजाम ये किया, तो उस तरह से मतलब मानवी तौर पे भी जाहिर है उसके बीच में काफी सारी डिटेल। दूसरा ये है कि जो पहले वाला हिस्सा है ना वो इस मंजरकशी का हिस्सा नहीं है, आप उसको एक सेपरेट मंजर कशी मिले, इधर इधर जो यहाँ से जो चल रहा है ना अलकौम फीहा सारा का न, ये एक पूरा दोनों मंजर वन वर्सेस दी अदर है, और पिछले की जो है ना आई एम श्योर बलागत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर अपने ही है लियाल इन व समानिया था अयाम इन, ये लियाल और अयाम याद है हमने इल्म अल बदी में पढ़ा था कि जी सर वो ऑपोजिट्स को ऑपोजिट्स को ठीक इस्तेमाल किया है, और इधर भी सर सरिन आतियातिन ये भी और वो भी लियाल इन यामिन उनका जो साउंड भी है, साउंड है सजा है हमारे, जब हम ये बलागा पढ़ लेंगे तो सबको इकट्ठा जब अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आई थिंक वो हमें बजाय इसके कि हम वो याद करें हमें आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक करके ना हम अप्लाई करेंगे तो हमें वो याद होगा, तो आई थिंक दिस वाज अ गुड कंपैरिजन, मतलब एक अच्छी हमारी एक्सरसाइज हो गई इस आयत को देखते हुए, तो थैंक यू सिस्टर फरिया। और नेक्स्ट चलते हैं हम कि इस्तियारा और मजाज मुसल को डिस्कस करते हैं, और इसमें जो अब हमने तशबीह को एक साइड पे कर दें और बाकी तीन एक जैसे हैं,
यहाँ पर मजाजी जो माने के दो सूरतें ली गई हैं, इस्तआरा में हकीकी माना के साथ मजाजी माना का इलाका तशबी हो, यानी उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो तशबी का हो, तो मजाज की सूरत को हम इस्तआरा कहेंगे। यह पहले पहले भी डिस्कस किया, जबकि मजाज मुरसल में जो मजाजी माना है उसका हकीकी माना के साथ ताल्लुक तो हो लेकिन तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक हो तो मजाज मुरसल कहेंगे। और इनके ये नाम है लेकिन नामों को फिलहाल ओमिट कर दें, हमने वही जो बात की थी कुल मुराद लेके जुज बयान करना, जुज बयान करके कुल, सबब मुसबब, इस तरह की मेरे ख्याल 18-20 किस्में हैं, बट जनरली मजाज मुरसल यहाँ पर है। अच्छा, इस इस्तियारा को हमने कैसे समझा था, इस पर हम आ जाते हैं। तशबीह हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कहा था इस्तियारा जो है ना वो तशबीह बलीग की हाईएस्ट फॉर्म है, यानी तशबीह बलीग हमने बात की थी कि जिसमें तरफाइन दोनों मौजूद हों, तरफाइन से मुराद है तशबीह और सॉरी मुशब्बा और मुशब्बा भी। तो तशबीह बलीग में से कोई एक तरफ को अगर हजफ कर दिया जाए, यानी मुशब्बा हजफ कर दिया जाए या मुशब्बा भी हजफ कर दिया जाए, तो ये इस्तियारा की सूरत बन जाएगी। यानी तशबीह बलीग में जिसमें तरफैन में से किसी एक को हजफ कर दिया जाए, तो तशबीह के चार अरकान में से दो बुनियादी तो पहले ही हजफ हो चुके हैं, अब सिर्फ दो रह गए हैं मुशब्बा और मुशब्बा भी, तो इन दोनों में से किसी एक को। और मुशब्बा जो है ये मुस्तार, हमने इस टर्म्स को यूज नहीं किया लेकिन मुस्तार उन लहू के माने में है, और मुशब्बा भी मुस्तार उन मिनु, यानी जिससे उधार ली जाए सिफत, यानी शेर यहाँ पे, और मुशब्बा जो है मुस्तार रू जिसके लिए ली जाए वो जायद है, यानी जिसको दिया। अच्छा, इसकी बहुत सारी अकसाम है, यहाँ सात का जिक्र है, हमने दो की बात की थी और दो में से भी ज्यादातर पहले वाली परी जिसमें मुशब्बा भी की सराहत होती है। क्या माना मुशब्बा सराहत होती है कि इसे मुशब्बा भी को मेंशन किया जाता है और मुशब्बा जो है वो हजफ कर दिया जाता है, जैसे कि हमने कहा शेर की जगह पे या शेर शेर मैदान में उतर आया और उतरता असलम है, तो ये तस्रिया है कि इसमें मुशब्बा भी की सराहत है। जबकि मकनिया इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें मुशब्बा भी को हजफ कर दिया जाता है और सिर्फ और किसी ऐसे लवाजम का जिक्र होता है कि जिससे पता चल सके और मुशब्बा सिर्फ रहता है। तो ज्यादा हमने इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, ज्यादा जो एग्जांपल्स है वो तस्रीहिया की ही है। तो आइए इसमें दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, और अब कौन इन एग्जांपल्स को करना चाहेगा, अगरचे लिखा हुआ भी है बट स्टिल आई वुड लाइक समबॉडी टू जंप इन, जैसे फरिया ने करेजियसली जंप किया था इन टू द अरीना। तो वतसमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, इस पर कौन कोशिश करेगा कि हम इस्तेमाल करें, जी सर नुसरत पहले इसका तर्जमा करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वतसमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और थाम रखो तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सबके सब। तो यहाँ पे हब्लुल्लाह जो है इससे मुराद लिया गया है दीनुल्लाह, और इसको दीन जो लफ्ज था जो मुशब्बा था उसको ओमिट कर दिया गया और हब्ल को उसकी जगह ले आए जो मुशब्बा भी ही है, और उससे बात को समझाया गया है। तो जी हाँ, इसको इसको कहें कि असल में जो इसका तशबीह बलीग क्या बनेगा, लेट्स गो टू द अदर वे अराउंड, तशबीह बलीग बनेगा अदीनो हब्लुल्लाह, हब्लुल्लाह जी ठीक है, या हब्लुल्लाही ठीक है हब्लुल। तो अब इसको इसमें से अदीन को हजफ कर दिया गया जी, मुशब्बा को हजफ कर दिया, और मुशब्बा हुज़िफ़ा मुशब्बा हु वह हुआ दीनुल्लाह, वसरहा बिल मुशब्बा बिही वह हुआ हब्लुल, فقد شبح الله تعالى الدين بالحبل هذا تشبيه بليغ هذا مطلب آخری جو سینٹنس ہے نا وہ تو ہم نے لکھا ہے کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, یعنی ہمیں اگر یہ کسی آیت میں جا کے دیکھنا ہو استعارہ کیسے بنا ہے
तो हम कोशिश करेंगे कि इसका तश्बीह बलीग क्या बनती है। सबसे पहले तश्बीह बलीग सबसे पहले, हाँ, जी, उससे फिर हमें पता चल जाएगा क्या चीज हजफ हो रही है। जी जी सर, सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। तो थैंक यू सिस्टर नुज़हत, वेल डन, वेलकम वेलकम। और ये एग्जांपल कौन करना चाहेगा, ये इंटरेस्टिंग है। किताबुन अंजलनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिन अज़ुलुमाति इलन नूर। कोई हाथ खड़ा करेगा? जी डॉक्टर फौजी, आप करना चाहेंगी? पहले इसका तर्जमा कर दीजिए पहले। किताब अंजल ना हो, ये किताब हमने नाजिल की इलैका आप पर, ले तुखरिजा ताकि आप निकालें, ना ले तुखरिज नासा लोगों को मिन ज़ुलुमात अंधेरों से, इलन नूर नूर की तरफ। तो इसमें सर वो मुशब्बा को हज़्फ कर दिया गया है, और यानी ये गुमराही और हदायत को तशबीह दी गई है। मुशब्बा भी कह ले हम कि जुलुमात और नूर दोनों आएंगे सर, कि सिर्फ जुलुमात आएगा? ये दो अलग अलग, दो अलग अलग बन जाएंगी। ठीक है, ये दो अलग अलग, सही, एक बन जाएगी कि जो गुमराही है वो अंधेरे हैं, और दूसरी वाला क्या बनेगी, नूर के साथ किसको लगाएंगे, क्या चीज है? हिदायत। हिदायत, बिल्कुल सही, परफेक्ट। वो उनकी, इनको सराहत के साथ बयान कर दिया गया मुशब्बा बही को, तो मुशब्बा जो है वो यानी गुमराही को उन्होंने हजफ कर दिया। तो सर ये भी बलीग की ही मिसाल बन जाएगी फिर। नहीं, ये मिसाल इस्तारा है, कौन सा वाला इस्तारा है? तसरीहिया बलीग से। ये जो आखिर में लिखा हुआ है ना, अद्दलाला तो दुलुमात, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमने अगर डिस्कवर करना है तो ये तो समझ आ रही है कि बात हो रही है अंधेरों की, लेकिन ये किताब अंधेरों से तो नहीं निकालती ना, यानी लिटरल अंधेरे तो नहीं होते ना। आप कहें कि जी डार्कनेस से लाइट तो नहीं है, लेकिन डार्कनेस से मुराद ये है गुमराही। गुमराही और तो फिर हम कहेंगे कि असल में मुराद ये थी कि आप निकालें लोगों को गुमराही के अंधेरों से, गुमराही के अंधेरों से, और किस तरफ लेके जाए? हदायत के नूर की तरफ, हदायत के नूर की तरफ। परफेक्ट। तो ये दो अलग अलग इससे आ रहा है। जी सर, ठीक हो गया, परफेक्ट, एक्सलेंट। और एक और भी एग्जांपल आ गया, सफरिया करना चाहती है फिर से, मोस्ट वेलकम, या कुछ और करना चाहती है? मैं एक सवाल पूछ लूं, ये एग्जांपल अगर कोई और करना चाहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं भी कर लूंगी। सर मेरे एक सवाल ये पूछना था, अभी हमने दो एग्जांपल्स की इस्तआरा की, तो इसमें जो लफ्ज़ मुस्तआर है इन दो एग्जाम्पल्स में, वो फिर जिस तरह पहले एग्जाम्पल में हबल है जो हमने मुस्तआर लिए है इस इस्तआरे को बयान करने के लिए, सर वो भी तो एक इसका कॉम्पोनेंट होता है ना? नहीं, एक्चुअली हमने देयर आर टू वेज टू डिस्क्राइब। हम या तो मुशब्बा मुशब्बा भी की ही कुछ लोगों ने, कुछ ग्रामर्स ने वही टर्म यूज किया है, बोरोइंग इट फ्रॉम दी जो तशबीह से, तो आसान हो गया, अदरवाइज सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। मुशब्बा को कहेंगे मुस्तार उन लहू, और मुशब्बा भी को कहेंगे मुस्तार उन मिन हू, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो मेरे ख्याल है ये हमारी आप ही की स्लाइड्स में से मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि मुस्तआर वो लफ्ज है जो मजाजन इस्तेमाल किया गया है ना, तो वो मैं सोची थी कि फिर ये हबल होगा और उसमें ज़ुलुमात और नूर होगा। एग्जैक्टली, ये मजाजी वाले ही हैं, बिल्कुल जी। लेकिन देखिए ना, ये मजाज बिल्कुल सही कह रही है, जिस तरह हमने कहा कि जैद जो है वो शेर है, तो ये शेर के लिए इस्तेमाल हो रहा है ज़ुलुमात, राइट, जैसे शेर हुआ था, क्योंकि वो असल में तो शेर नहीं है ना, जो चीज वहां मौजूद है असल में तो वो गुमराही है, या असल में तो वो यहाँ पे हिदायत है, तो ये वाले मजाजी माने ही है जो बिल्कुल सर। अब जिस तरह तशबीह बलीग की हम अगर इस एग्जांपल को एक रेफरेंस बना लें कि जैद शेर है, ये तशबीह बलीग है, अब जैद को भी हमें ओमिट करना है इस्तआरा बनाने के लिए, अब रह गया शेर, तो अब उस शेर को हम यूं इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी नीड और सिचुएशन कि शेर मैदान में आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आया बहादुर है बहुत और इस तरह से, या फिर इल्म का समंदर आ गया, आई मीन बहुत कोई आलिम है या कुछ है, तो इस तरह से मतलब ये फिर इसीलिए कहा जाता है कि इस्तआरा मतलब अल्टीमेट चीज है ना, मेराज कहा जाता है बलावर के, एग्जैक्टली
ओनली वन वर्ड ही सारी सिचुएशन को, सारी बात को एक्सप्लेन कर रहे कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मकसद क्या है ये बात कहने का. ये तो सबको पता नहीं कि अब ये कोई समंदर तो एक्चुअली नहीं है, या कोई ये जानवर शेर पंजों वाला तो नहीं आ गया, ये तो एक जायद बकर कोई आया है ना पर्सन. तो उस पर्सन के अंदर जाहिर है कि हम वो हमने मुस्तार लिया वो लफ्स के, उसकी जो एट्रीब्यूट को हम बयान करना चाह रहे हैं ना. बिल्कुल ठीक, करेक्ट. यानी तो सर इसका मतलब कि इस्तारा में हमने मजीद कंपोनेंट्स को वैसे नहीं देखना, सिर्फ मुस्तार, सिर्फ हमने मुशब्बा मुशब्बा पे ही जिसको वो कहते हैं मुस्तार लहू या मुस्तार में समझने के लिए ना, समझने के लिए हमने ये एक्चुअली खुद ऐड किया है. ये जो आखिरी लिखा हुआ है तश्बीह परीक, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है सच, लेकिन जी जी ये तो नहीं लिखा हुआ. लेकिन ये, लेकिन क्या ये ऐसे आसानी नहीं हो रही? मतलब जी सर वो जब उसको बैकवर्ड चलते हैं ना, जी जी पीछे से जाते हैं ना सर, तो वो बहुत अच्छा समझ में आ जाता है. जिस तरह वो पहले मैंने शुरू में एग्जांपल वो देखी थी ना अद्दीन हबलू, तो फिर मुझे उसकी वो उसका पूरा मुझे थीम समझ में आया कि इसको हमने पीछे से लेकर ऊपर जाना है, नीचे से लेकर ऊपर जाना है ना, तो ताकि हम उसका को. तो इसलिए ये आसान है. अदरवाइज अच्छा अब हमारे ये क्लैरिटी आ गई है तो हम अब देख सकते हैं. अदरवाइज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू, मतलब याद तो नहीं करना ना, हमें तो उसका प्रिंसिपल तलाश करना है. तो कौन आप करना चाहेगा? वक्फ़त लहुमा जनाह दिल्ली जुल्ली, सॉरी सॉरी मिन रहमा, इज़ नियाज़ ने उनके आगे से उनके आगे झुके रहो. तो जी ज़िया और रसूल भाई. अस्सलाम वालेकुम. ये पुस्तक के लहुमा और झुका दे उन दोनों के लिए जनाह जुल में रहमा, अपने अपने पर रहमत में के आगे झुके रहो. न्याज आपने कहा और न्याज अपने आजी के पर, अपने आजी के पर, ठीक आजी के पर उनके आगे झुके. तो आजी के पर तो नहीं होते असल में, पर किसके होते हैं? पर तो टायर के होते हैं, ठीक है ना. अब आप यहाँ पर देखें ना, ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये मकनिया की है. जी सर. यानी इसको तशबीह बलीग आखिरी वाला देखें ना कि अज़ुल्लु ताइरुन, आई होप मैंने सही किया होगा ये, अगर के जो आजी जो है आजी के पर अज़ुल्लु ताइर के जो जो आजी है वो ताइर है. हाँ ठीक है, सही बात, वो जो है परिंदा है, तो यहाँ परिंदे के पर मुराद लिए जा रहे हैं. तशबीह बलीग जो होगी ज़िल्लु ताइर होगा, ज़िल्लु ताइर होगा. तो यहाँ मुशब्बा भी को हमने हज़्फ कर दिया, ताइर हज़्फ कर दिया गया. और मिसाल दी गई शेन फकत अल्लाह ताला फकत शुब्बा अल्लाह शुब्बा ताला ज़िल्लु ताइर, और वो जो है उसको शब्बा जो है उसको ताहिर से तस्बीह दी गई है. ताहिर को देखो जो सफ़त की होगा, क्लियर हो रही बात आपको ना? असल में जनाह ताहिर होना चाहिए ना. अगर अगर आप कहें कि जनाह ताहिर ही होता तो क्लियर होता कि जी परिंदे के पर, लेकिन मुराद अब जो परिंदे के पर होते हैं उसके नीचे वो अपने बच्चों को जो है ना रहमत उसके बच्चों को देता है, प्रोटेक्शन देता है और उनको उनके उनका ख्याल रखता है. तो अब वो उसी तरह का ख्याल आपने रखना है वालदैन के लिए, अपने आप को वालदैन के सामने झुका के रखो, अपने उनके रहमत से झुका के रखो, ताकि कि उनके आगे इस दुनिया का झुके रहो. ये इस तरह से मिसाल दी गई. अब इसमें जो जो वजह तशबीह वो क्या है, वजह शिप जो है, हम इसमें एहसान व तवादे, एहसान व तवादे जी जी चले गुड. उनके एहसान और उनकी रहमत उनकी जो मेहरबानी है उसकी उसको उसको मानते हैं. अच्छा ये एक और एग्जांपल भी है. इन्नी कौन करना चाहेगा? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? मतलब इनको एग्जांपल्स को बार बार करने से ही क्लैरिटी आती है. तो मैं चाहता हूँ कि इसी चीज को जो लिखा हुआ है इसी को पढ़ेंगे ना आप और समझेंगे तो ये चीज हमें समझ में आएगी. तो कोई भी एनीबॉडी इसको पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन करें, एंड आई थिंक वो खुद ब खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी. जी सर नुसरत.
जी सर, इन्नी वहनल अजनु मिनी वस्ता अलर रासु शैबा। सर इसका तर्जमा भी करूं? बेशक मैंने सबसे पहले तर्जमा, बल्कि दो दो दफा तर्जमा करें, तर्जमा करने के बाद हम आगे चलें। यानी इन्नी वहनल अजनु मिनी कैसे तर्जमा होगा? इन्नी बेशक मैंने वहना कमजोर होगी, अल अजनु हड्डियां मिनी मेरी, वस्ता आला और शोला मारा अर्रासु सर ने शैबा, बुढ़ापे की वजह से। यही होगा ना सर? ठीक है, बुढ़ापे का तो इसका मतलब है कि बुढ़ापे की वजह से यानी मेरी जो हड्डियां हैं वो इतनी कमजोर हो गई। अब उसकी वजह से उस कमजोरी का इजहार किधर हो रहा है? उसका हो रहा है उसको के सर जो शोले मार रहा है। अच्छा, अब इस एग्जांपल में जी सर, कद सरहा बिल मुशब्बा बिल मुशब्बा, आखिरी सेंटेंस से शुरू करें, इसलिए आखिरी से करें। तशबीह बलीग क्या बनाइए? अशैबु फिर रासी, अशैबु ठीक है सर, फकद शबा ये कह रहे हैं सर? नहीं, अशैबु फिर रासी नारुन फिर सूरत इंतशार। यानी ये जो लिखा गया है ना कि जो जो बुढ़ापा है जो 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 जिसकी वजह से ये शोले मार रहा है सर में, जो बुढ़ापा है वो उसको वो उसके शोले मारने का असल में क्या है, वो आग से जो आग के अंदर से सूरत इंतशार जो तेजी से भड़कती है आग, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब मुशब्बा जो है अन्नार है, उसको वहुवा नारु वतरक शेई मिन लवाज में ही वहुवल इस्तआलु। ठीक है, तो पीछे फिर क्या रह गया? यानी वो जो फकत सबहा तआला शेईब फिर रासी बिन नारी फिर सुरअतिल इंतिशार। यानी जो उनके सर की जो 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 सर में जो शोले मारना है वो रह गया बकाया। ठीक है, उस वो हिस्सा रह गया। सही, ठीक है, तो वो हम इसको इसलिए हम मुराद कर रहे हैं मक्कन दिया। चलो अब आ जाते हैं दोनों में फर्क क्या है, तशबीह और इस्तारे में फर्क क्या है। तशबीह हकीकी बात हो रही होती है जबकि इस्तारा मजाजी होती है। तशबीह में दोनों का जिक्र होता है, मुशब्बक और मुशब्बा भी दोनों का जिक्र होता है, जबकि इस्तारा में हमें वही टर्म्स बोरो कर रहे हैं, मुशब्बा को मुशब्बा, मुशब्बा भी को मुशब्बा बना लेते हैं। दैट्स वन वे ऑफ सेइंग इट। इस्तारा में एक चीज को हूबहू दूसरी की चीज करार दे देते हैं, तो उसमें इस्तारा में बली की सूरत में क्या होता है? आई गेस इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन ये नहीं, पहले वाली से बेहतर थी जो कर चुके हैं। तो लेट्स सी, तसरिया में मुशब्बा माजूफ होता है, मुशब्बा भी मौजूद होता है, और इसका उल्ट है मकनिया में। और अब आ जाते हैं मजाज मुसल पे। तो अगर हम अभी टाइम है थोड़ा सारा इसको देख लेते हैं, किसी लफ्ज के हकीकी और मजाजी माने में तशबीह के अलावा कोई और इलाका, कोई और ताल्लुक, उस ताल्लुक के बहुत सारे अंदाज हैं, मेरा ख्याल है कोई 20 से ज्यादा है। सबबियत का इलाका, मुसबबियत का इलाका, इसकी जुजियत का इलाका, कुलियत का इलाका, माजी कहकर हाल मुराद ले लेना, मुस्तकबिल कहकर हाल मुराद ले लेना, ज़र्फ़ कह के मजरूफ, मजरूफ कह के ज़र्फ़, इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं आगे और इस एग्जांपल से लेते हैं। तो ये एग्जांपल कौन करना चाहेगा? दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ मजाज मुरसल। यजअलून असाबियहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवायकि हज़र अल मौत। इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे फॉर मगरिब। जी, इस एग्जांपल को कोई करना चाहेगा? जी माजिद भाई। जी सर, ये जदूना साबिया हूँ, उन्होंने डाल ली अपने उंगलियां फी आजानिहिम अपने कानों में मिनस सवाई के हज़र अल मौत। हज़र अल मौत मौत के खौफ से सवायक जो है वो जो जो सख्त आवाज जो जो आवाज आती है उस
जो आपके गर्ज की आवाज से हजरत तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो कुल्लियत और जुजियत वाला अंसर है यहाँ पर, तो चूंकि पूरी उंगलियां तो डाली नहीं जा सकती तो कुल कहकर जुज मुराद दिया गया यहाँ पर। जी जुज कहकर सॉरी कुल कह के जुज मुराद लिया गया है। ठीक जी सर। अच्छा नेक्स्ट अजान भी होगी। ओके वी विल स्टॉप हियर और उसके बाद हम अजान के बाद विल कम बैक एट 7:45। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सर रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। थैंक यू। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और कौन करेगा इस एग्जांपल को। औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वल्लज़ी युरीकुम आयातिहि व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस्समाई रिज़्क़ा। जी आई वांट समबडी टू अटेम्प्ट दिस। कोई भी हाथ खड़ा करके करें ना, इसको सिर्फ पढ़ना है आपने और हम मिलजुल कर इसको करेंगे। जी माजिद भाई आप करें, चलें पहले तर्जमा करें। जी हुवल्लज़ी युरीकुम वही है जो कि दिखाता है तुम्हें आयात ही अपनी निशानियां, वो नज़्ज़िलु लकुम मिनस्समाई रिज़्क़न और वो उतारता है तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क। तो यहाँ पर रिज़्क तो आसमान से नहीं उतरता, बारिश उतरती है जिससे रिज़्क बनता है। तो वही मुसबब कहकर जो है वो सबब बयान किया गया। तो बिल्कुल सही है, सबब और मुसबब समझा दें, यानी सबब क्या होता है और मुसबब कौन होता है। सर मुसबब जो है वो कोई एक ऐसी चीज है, सबब तो वो है ना जिससे आप जिसकी वजह से तो कोई चीज, जी एग्जैक्टली वजह से जो है कोई चीज वजूद में आती है, तो मुसबब जो है वो सबब की वजह से आता है। सबब की वजह से आता है यही मैं, यानी सबब तो मुसबबुल असबाब कौन है फिर? अल्लाह सुभानहु ताला, यानी तमाम असबाब का एक्चुअल पैदा करने वाला जिससे सब चीजें, फिर मुसबब जो है ना वो जो सबब के बायस चीज बनती है। तो रिस्क आता है उस पानी के बायस जो पानी अल्लाह ताला पर नाजिल करते हैं। तो कोई ये भी तो कह सकते हैं बनी इसराइल के लिए तो रिस्क हकीकन उतारा था, तो बट यहाँ मुराद ऑब्वियसली आसमान से पानी है। आ जाते किनाया। रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं? जी रिकॉर्डिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आ जाते किनाया पर। किनाया का जो है ना बहुत काफी इस्तेमाल है, हम अपनी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है अरबी में, अल किनाया तो या लफ्ज़ लहू मानैन, या ऐसा लफ्ज है जिसके ऐसा लफ्ज जिसके दो माने हो, अहदुहुमा ज़ाहिरुन गैरु मक़सूद, एक उसका ज़ाहिरी माना और जो कि ओरिजिनल माना कह सकते हैं लेकिन गैर मक़सूद वो मुराद नहीं है, वल आखर एक उसका दूसरा माना मख्फियन छुपा हुआ है, वह हुवल मकसूद और वो मुराद है वो मकसूद है। तो अगेन हु इज गोइंग टू डू दिस एग्जांपल, एक कौन हाथ खड़ा करेगा एंड वी विल डू दिस। बड़ा अच्छा एग्जांपल है। वला तजअल यदका मगरूलतन इला उनुक्का वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़दु मलूमन महसूरा। जी कौन करना चाहेगा ये एग्जांपल? यानी एक तरफ मगलूलतन से क्या मुराद है और दूसरी तरफ कुल्ला कुलल बस्तिन, तीसरे से नुसरत। तो इसका पहले तर्जमा कर लेते हैं। जी सर वला तज अल और ना बना यदा का अपने हाथ को मगलूलतन बंधा हुआ इला तरफ उनकी का अपनी गर्दन के साथ वाला और ना तब सुथा तू फैला उसको कुल्ला कुल्ला कुल कुल कुल्ल बस्ती पूरी तरह फैलाना कुल्ला मतलब पूरा फैलाना। जी जी ف,
फतक उज तो हो जाएगा, क्या इसका हो जाएगा बैठा रहना, तक होता है फतक उज मलू जी मलूमन मखसूरा, हाँ यानी कि हाथ मलता हुआ रह जाएगा, यानी मलूमन मलामत ज्यादा मासूरा थका हारा तो यहाँ पर फिर क्या मुराद है गर्दन से अपने हाथ को गर्दन से जो है ना वो कनेक्ट करना अटैच करना सर, इसके जो एक मानी तो हो गए ना इसके यदा का मगलूल आतन तो एक इसके आ जाते हैं उसके के बखील होने के, बखील होने के यानी ये वो उसका छुपा हुआ माना दूसरा माना है और मुराद वही है, हाँ मुराद उससे है कि ये नहीं है कि वो जाहिरी तौर पर एक्चुअली अपने हाथ को गर्दन से बांध रहे लेकिन इस चीज इसको कहना है कंजूसी बुखल, और हाथ बिल्कुल फैला, हाथ किसी का खुला होना जब हम बात करते हैं ना जी ज्यादा हाथ खुला होना भी मुराद है हकीकी, और फिर दूसरा ले लेके तक कि आप इतना भी ना खर्च कर डालो कि मालूमन मकसूरा के बिल्कुल बिल्कुल ही आप खाली हाथ होके रह जाएं। सही है, ठीक होगा, तो किनाया का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, तो आइए देखते हैं किनाया के कुछ और एग्जांपल्स। तो फला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरहुमा, तो यहाँ पर उफिन से क्या मुराद है, कौन बताना चाहेगा, एनीबॉडी, सिस्टर अर्जुमन, डॉक्टर अक्षंता, इमाद भाई जी, सिस्टर नौरीन बरकी जी, सर फला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरहुमा, और ना तू कह उन दोनों को उफ और ना झड़क उन दोनों को, तो सर इसमें वो वालदैन की अतात और उसके बारे में बताया है कि वो उफ से मुराद उनकी मतलब उनके आगे कुछ ना बोलना या उनकी अहानत ना करना जैसे नीचे लिखा हुआ सर ये। हाँ, तो किनाया जो है किसकी तरह इहानत से किसको कहते हैं, तजलील ना करना, तजलील तो मतलब है कोई भी ऐसा कलमा या ऐसी बात ना करना जो उनके हक में ऐसे लगे जैसे उनकी तजलील हो रही है, तो बिल्कुल ये किनाया उफिन इसके लिए है। तो नेक्स्ट वल्लजी खलकुकुम, डॉक्टर अक्षंदा वल्लजी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये छोटी आयत है ना तो मैं जबानी पढ़ सकती हूँ बगैर देखे, वही है जिसने तुम सबको पैदा किया एक नफ्स से एक जान से, तो जाहिर है सबको एक जान से जिस तरह से पैदा किया गया तो किनायतन बात की जा रही है, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कौन करना चाहेगा, فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا جس سے تمکین عَلَىٰ عَبْدِنَا فَإِن اور پھر اگر کنتم ہو تم فی رَيْبٍ کسی شک میں مِمَّا اس کے بارے میں جو نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر, تو عَبْدِنَا میں گنایا آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا اپنے بندے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنایا ہوگا۔ ان اگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے اگزامپلز قرآن میں موجود ہیں جہاں کنایتن بات ہو رہی ہے۔ ایک اور اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورۃ المسد یا سورۃ الحطب جس میں ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس کی عورت ہے جس نے جو لادی اپنے اوپر لکڑیاں ایندھن والی یہ لکڑیاں, تو اس سے اس میں کیا کنایا ہے, یعنی کیا مراد ہے ہم مالا تل حطب سے, اس سے مراد جس سے سفریہ آپ بتانا چاہ رہی ہیں جی سر, مطلب مانوی طور پہ تو ایسے ہے نا کہ وہ ایندھن مطلب لادتی تھی نا اپنے اوپر, تو کنایا تو شاید اس طرف ہے نا کہ وہ چگلیاں کھاتی پھرتی تھی لوگوں کی ادھر کی بات ادھر کرتی تھی,
और लोगों के बीच में मतलब नफरत पैदा करवाने के लिए, तफरका पैदा करवाने के लिए, और जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी साजिश थी दोनों की, तो मतलब वो अपने हस्बैंड का साथ देती थी और सब ना, तो ये किनाया महफल उसी तरफ है ना। जाहिरी तौर पे क्या बात हो रही है, जाहिरी तौर पे बात हो रही है कि वो लकड़ियां जाती थी, वो एक्चुअली लकड़ियां वो भी करती थी जी, तो वो, लेकिन वो माना मुराद नहीं है, यानी वो जाहिरी मकसूद नहीं है, अगरचे लिखा हुआ यही है, मुराद वही है जो आपने कहा, जिस तरह के लकड़ियां चुनने का हम पता नहीं इसका माना लेते ही लेते कि इधर की बात को उधर कर देना, तो उधर की इधर बात कर देना, तो इसको चुगली ही कहते हैं आई सपोज। जी सर, वो वैसे किनाया की डेफिनेशन में ये होता है ना कि अगर जरूरत पड़े तो एक्चुअल मानी भी मतलब पॉसिबली मुराद लिया जा सकता है ना, लेकिन जहाँ नहीं है वहां तो नहीं है कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें बहुत बड़ी बहस है, आपने ऐसी मतलब देयर आर ऐसे ऐसे मुफस्सरीन हैं जो जो कहते हैं किनाया नहीं है, ये हकीकत है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है कि समा रिस्क उतारा, तो वो कहते हैं कि जी ये पानी रिस्क तो है, आई मीन दैट, और लिटिल मीनिंग्स में लेना चाहिए, किनाया जो है वो है किनाया उस तरफ, हमारा हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन इसके जाहिरी माने भी आपको कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। तो अगेन ये हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसके अंदर द वे टू अंडरस्टैंड कैन बी लिटिल डिफरेंट, तो मेरा ख्याल है हमें इस बात का जो है ना वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस। जी इमाद भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सिर्फ ये था कि ये जो सूरह बकरा की 23 नंबर आयत है फइन कुंतुम, वो असल में व इन कुंतुम है, फ नहीं है, इसको करेक्ट कर दिया। अच्छा ये वाला सूरह बकरा की 23। अच्छा जी जी, शहजाद साहब चले गए, अब उनको उसने करेक्ट करवाते हैं। मैं थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट इमाद भाई, ये याद भी करा दीजिएगा या उसके ऊपर ग्रुप पर या शहजाद साहब को, ठीक है। और अब आ गया इल्मुल मानी, हमारे पास टाइम है, इल्मुल मानी को हम कवर आज कर सकते हैं। जी कुछ जी इमाद भाई कुछ कह रहे हैं आप? सॉरी नहीं। ओके सो नेक्स्ट आता है इल्मुल मानी, इल्मुल मानी से हम क्या मुराद लेते हैं इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं। इल्मुल मानी जो है ना ये एक लिहाज से सबसे अहम है, क्योंकि गर्ज तो होती है ना कि कलाम में एक ऐसा माना हो जो पढ़ने वाला उसकी तह तक पहुंच जाए, तो उसका मकसद पहचाना जाता है उसके माने के थ्रू। तो इल्मुल मानी वो इल्म है जिससे पता चलता है कि कलाम में खास तौर पर अरबी जबान के अल्फाज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्या वो उस सूरत हाल को डिपिक्ट कर रहे हैं जो मुतकल्लिम बताना चाह रहा है, और वो तभी होगा कि मुखातिब की जरूरत के और तकाजे के मुताबिक हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बात कुछ हो रही हो और जो अल्फाज हो कलाम हो वो उसके मुताबिक ना हो तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द पर्पस। सो जो जिसको पहुंचाया जा रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग उन्हीं मानों की हो, यानी जिसको अरबी आती है आप उसको फ्रेंच में बात नहीं बता सकते। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर आप नमाज अरबी में पढ़ते हैं तो और आपको अरबी समझ नहीं आती तो माने आप तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो बलागा तो बड़ी दूर की बात है। मतलब इसका मतलब मानी पहुंचना जो है ये तो बेसिक जरूरत है, इसलिए कलाम में मानी पहुंचाने के लिए दोनों साइड, जिसको आप बेहतरीन अरबी में बात कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रही, तो उसका मतलब उस बात का कोई फायदा नहीं होगा। तो लेट्स सी कि मानी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके 8 अबवाब हैं जो हमने पढ़े, और ये अगर आप एक अंदाज में सोचें ना तो ये एक्चुअल अरबिक का जो टॉपिक है कि माने किस तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं, वो सबसे पहला जो बाब था, बल्कि पहले 8 को एक दफा देख लेते हैं। खबर व इंशा, इसमें हम बात करेंगे खबर से हम क्या मुराद लेते हैं, और वो जो जिसमें कहने वाला मुतकल्लिम सच्चा या झूठा बताया जा सके, और अगर नहीं बताया जा सकता तो फिर वो इंशा है, इसकी भी हम देख लेंगे तफसील। तारीफ व तनकीर, मारिफ और नकेरा, तकदीम व ताखीर, ये भी पता है बात को पहले बता दिया जाए या उसको मौखर किया जाए, दोनों से माने की पता चलता है कि मकसूद क्या है, यानी कहाँ पर किस चीज पर एम्फेसिस करना है या किस चीज को प्यारे क्यों बयान किया जा रहा है। जिक्र वहाज, कई दफा अगर जिक्र ना करें लफ्ज को
تو وہ معنی ہی پورا نہیں پہنچتا. اور کئی دفعہ یہ حذف کرنے سے بہتر انداز میں وہ بات واضح ہوتی ہے. تو یہ بھی معنی کا معنی کو پہنچانے کے لیے ذکر و حذف اس کا بھی انداز. اطلاق و تقیید, اور اطلاق و تقیید کون یاد کرائے گا اس کے کیا معنی تھے؟ ایک میں کھلا چھوڑ دینا اور دوسرے میں تقیید یعنی قید میں رکھنا. تو الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کس انداز میں ہم کریں گے, اطلاق میں یا تقیید میں, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. قصر حصر کی طرح ہے. وصل اور فصل, کیا دو جملوں کے درمیان میں ہم کوئی رکھیں گے اس کے ساتھ مسابقت, یعنی اس کے اندر عطف ہوگا یا نہیں ہوگا, دونوں طرح سے اپنے معنی سمجھ میں آئیں گے. اجاز و اتنا و مساوات, بات کو مختصر کر کے بیان کیا جائے یا زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے یا بالکل برابر برابر بات کی جائے, تینوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. تو ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے آٹھ ابواب جو ہیں, خبر ایسی بات, اور خبر جتنے بھی ہمارے جملے ہیں وہ خبر ہی بتاتے ہیں, چاہے وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. ایگزامپل, زید اپنے والد کی مدد کر رہا ہے. تو جملے کی حالت میں جب خبر پہنچائی جائے کسی کو, چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو, تو یہ خبر ہے. انشاء ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. تو اس میں وہ تمام آ جاتے ہیں جس میں آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں, استفہام ہے یا امر ہے, نہیں ہے. یعنی زید اپنے والد کی مدد کر, اب اس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے اور انشاء میں کسی مقصود کو طلب کیا جاتا ہے, امر, نہیں, استفہام, تمنا, ترجی, ندا. تو یہ ہم نے میرا خیال ہے یہ چھ کے بارے میں بات کی تھی, لیکن آج چونکہ ہم خلاصہ ہے تو اس کو ان کی ڈیٹیل کا ذکر نہیں کر رہے. ہم نیکسٹ پہ جا رہے ہیں, تنکیر یعنی معرفہ یا نکرہ کو لے کر آنا, اور معرفہ کی کچھ اقسام بتائی گئی ہیں. تمام ضمائر معرفہ ہیں, علم چاہے وہ نام کے حساب سے ہو وہ بھی معرفہ کی قسم ہے, اسم اشارہ, ان ہاذ القرآن, اسم موصول, کنیکٹرز, او بدو ربکم الذی خلقکم, اور معرفہ بال بال یعنی ال لگانے سے معرفہ رجل پہ الرجل ہو جائے گا. تو یہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ علم المعانی میں کس انداز میں معنی کو ال لگانے سے اس میں کیا ڈفرنس آئے گا, اور ال کے بہت سے پہلو ہیں. ایکچولی ال سے مجھے بات یاد آ گئی کہ جو آپ سے کیو سی ون پڑھاتا ہے نا, ان کے لیے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہمارا جو ہم کیو سی ون میں پڑھاتے ہیں الشیطان الرجیم, تو ال وہاں پہ کون کون سا ہے. اگرچہ لکھا ہوا تو کریکٹ ہے سلائڈس میں, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو اس میں ایشو ہے یا غلطیاں ہوئی ہیں. تو ہم جو اگر آپ سے کوئی پڑھاتا ہے تو وہ ضرور کانٹیکٹ کرے, ہم ایک کلیریفیکیشن سلائڈ جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں سب کو, تاکہ ال کا جو معنی ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے اور اس میں کنفیوژن نہ ہو. تو لیٹس سی, نکرہ لانے کی وجوہات. جس سے فریحہ سر, میں نے کہا ریڈیلی پوچھ لوں, آپ بات کریں, وہ دو ٹکڑوں میں کنسیڈر کرنا ہے یا ون میں, ال کتاب کو ال پلس کتاب کہنا ہے یا ہم نے ال کتاب کو ایک ہی ورڈ کہنا ہے. بہت ساری بحث کے بعد میں نے اس کو الگ الگ کہہ دیا کر دیا تھا. جی جی, وہی مجھے لاسٹ مجھے وہی پتا ہے سر, وہی پتا ہے. ہاں, تو ہم اس کو ایسے تصور میں لائیں گے, اور یہ امپورٹنٹ ہے, ہم نے اس کو کافی حد تک اس کو چھوڑا ہوا تھا, لیکن اس کو ہم الگ ہی کریں گے اور ایکسپلین بھی آپ کیا کریں گے کسی حد تک. تو یو رائٹ, ٹھیک ہے اس کو. اور ال کا بڑا ایکچولی ال کو پڑھانا چاہیے, مجھے تو اس کی سمجھ آئی ہے کہ ال کو جو ہے نا جو اس کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں وہ ہم نے یاد, بات ہے نا ال کس طرح استعمال ہوتے ہیں, وہ جو ال کی قسمیں تھیں جی سر, بلاغا کی پہلی کلاس میں ہمیں بتایا, ہم نے کیا تھا اس پہ, کیا تھا اسی کی پہلی جی ڈیٹیل جو کلاس میں تھی نا فرسٹ میں, اس پہ بھی کیا تھا, تو اس پر بھی بات کریں گے. لیکن نکرہ جو ہے نا, اٹ از فار مور امپورٹنٹ دین معرفہ. نکرہ کو ہم کئی دفعہ اگنور کر جاتے ہیں, خاص کر تدبر کے اپنی سلائڈز میں بھی. اب جب آئندہ سے نکرہ آئے گا نا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس ان پہ ضرور دیکھیں یہ جو بیان کیے گئے وجوہات. غیر معین رکھنا تو ایک ہے نا,
कि वो जिसकी बात की जा रही नकरा की वो मुय्यन नहीं है। वजह रजलो मिन अक्सल मदीना थी यसा, यानी कोई सा एक शख्स है, यहाँ पर भी एक बलाग आया वैसे उसकी, यानी कोई भी एक शख्स आया बड़ी दूर से मदीना से ये बताने के लिए, इसका मतलब है ये ऐसी बात बयान की जा रही है जो कि कोई भी एक आदमी, हालांकि कोई आदमी नहीं है, बड़ा खास आदमी है, लेकिन यहाँ पे गैर मुय्यन रखने के लिए अल नहीं लगाया गया, किल्लत की कमी बताने के लिए। ये कैसे है? वो रिद्वान मिन अल्लाह अकबर, यह नकिरा है, क्या ये किल्लत बताने के लिए आ रहा है? ये कैसे है? एनी थॉट्स ऑन दिस? जी माजिद भाई, क्या ख्याल है आपको? यहाँ पर तो किल्लत ही बता रहा है, क्योंकि जो आगे बताया गया है कि अल्लाह की रिजवान जो है वो ज्यादा बड़ी है। हाँ, रिजवान में अल्लाह अकबर के, अल्लाह की जो खुशनुदी है, यानी आप जितना भी कर लें, आपकी जो जो रजा जो है वो मिन अल्लाह अकबर, क्या मतलब हुआ? सर ये ज्यादती के लिए नहीं आएगा, कसरत के लिए के मैं समझ कोशिश कर रहा हूँ, रिजवान मिन अल्लाह अकबर इसके इसके बैक में कि अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। तो यह किल्लत कैसे बता रहा है ये रिजवान जो है? सर इससे पहले जो चीज है उसकी किल्लत बताई जा रही है ना, वो सर मुझे तो नहीं पता इससे पहले क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने एम्फेसाइज किया कि जी अल्लाह ताला की रिजवान जो है वो ज्यादा बड़ी है, और जो इससे पहले मौजूद है वो किल्लत है। इसका मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस में था तो उसका यहाँ जिक्र किया जा रहा है अल्लाह की उससे सबसे बड़ी है, तो इस किल्लत नहीं, तो रिजवान जो है उसकी किल्लत बता रहा है जो पिछली चीज गुजरी हुई है अल्लाह की, जो समझ में आती है। इसको मैं चेक करूंगा दोबारा से कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ था। कसरत के लिए आता है, हाँ ये तो आते हैं जब बल्कि आई थिंक इफ आई एम नॉट अलमोमिनून में, सूरह मोमिनून में भी आया है, रसूल का लफ्ज आया है कि तत्रा, यानी एक ही पीछे एक रसूल भेजे बहुत सारे, हालांकि इस्तेमाल किया गया नकिरा, इन युकज़्ज़िबू का फकत कुज़्ज़िबत रसूलुन मिन क़ब्लिक, तुमसे पहले भी रसूल, तो यहाँ रसूल से मुराद एक रसूल नहीं, मतलब रसूल नकरा लिया गया है, बट मुराद ये है कि बहुत सारे हैं। हकारत बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी इसका मतलब है एक तरह से दूरी अख्तियार कर, या यूं दिन आमन इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, तो हकारत के लिए, अजमत और बढ़ाई के लिए भी। सो ये मल्टीपल ऑपोजिट मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है कि डिपेंडिंग करे किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है। वलकुम फिल किसास हयात या उलुल अलबाब, तो इस केस में जो है अजमत और बढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नकरा इस्तेमाल किया। तो ये कुछ नकरा लाने की वजूहात हैं, तकदीम व ताखीर के असबाब। जी माजिद भाई, वो रिजवान से पहले जो है ना, वो पूरी आयत पढ़ देता हूँ आपको। वअदल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हारु खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदनिन वरिजवानुम मिन अल्लाहि अकबर। तो जन्नात की बात हो रही है सर, अब बड़ा क्लियर हो गया। वो सारी बातें जो है ना, जितनी भी वो जो नेमतें बताई जा रही हैं वो एक तरफ, लेकिन अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है, तो ठीक हो गया। थैंक यू माजिद भाई। एवरीबॉडी एल्स गॉट इट? जी सर, सबको क्लियर हो गया ना? तो माजिद भाई को देखें, फौरी उन्होंने इजी कुरान ऐप खोली, उस पर उन्होंने एक क्लिक किया और वहां पहुंच गए। आई होप सो। जी सर, ऐप खोल के मैं पहुंचा। हाँ, लेकिन काश आप इजी कुरान वाली ऐप यूज करें कभी कभी। अच्छा अच्छा, ना ठीक है। तो तकदीम और ताखीर के असबाब, ये हम इसको हम देखते हैं आमतौर पे, लेकिन हमने इन सारे मानों को नहीं देखा। अच्छा, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना इल्मुल मानी की, इनकी एप्लीकेशन हमें देखनी चाहिए अपने, जब हम तदब्बुर करते हैं कि किस जगह पर खास किया जा रहा है। देखें इया का नाबुदू, इसमें क्या किया गया है? तकदीम है कि ताखीर है? तकदीम है, पहले लाना, राइट। और उसको लाने से क्या हुआ है कि उसके अंदर पैदा हो गया खास करना, या आप कह सकते हैं एम्फेसिस बढ़ी। हसर इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, तो हसर के लिए इस्तेमाल हो रहा है,
तो यहाँ पर देखे ना, ये लहू ये भी मुकदम आ गया, पहले कर दिया गया है, आमतौर पे बाद में आना था। तो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तो मैं से ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक। तो यहाँ मुराद है शौक दिलाने के लिए, यहाँ पर भी ये पहले आ गया है। सारी तकदीम की जो है ना एग्जाम्पल्स लग रही है। अच्छी खबर बताने के लिए पहले आ जाना, वस्सलामुन अलल मुरसलीन। बुरी खबर, अच्छा दोनों केसेस में, यानी जिस चीज पे एम्फेसिस करना हो उसको पहले ले आते हैं, अच्छी खबर है ये बुरी खबर है। अन्नारु मस्वाकुम, ठिकाना नार है तुम सबका ठिकाना, ये भी कहा जा सकता है तमस्वाकुम अन्नार। लेकिन अन्नार को तकदम किया, तकदीम की गई है कि उस बुरी खबर को पहले बताने के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन पहले आया। अच्छा फितरी तरतीब, ला ताखुजू सेनतम वला नौम, ये फितरी तरतीब कैसे है कि नींद से पहले ऊंग आती है, तो इसलिए पहले ऊंग लाई गई है, यानी सेनतम लाई गई है, उसकी तकदीम की गई है और नौम बाद में लाई गई है। तो ये इंटरेस्टिंग है। हसर की दो सूरतों का इस्तेमाल बताया जा रहा है, हसर किसी चीज के साथ खास करना, हसर की यानी ये मुराद हसर ही है इस लफ्ज से। ऊपर एक मिनट, किधर चले गए हम, आगे चले गए पहले। हसर की दो सूरतों की बात हो रही है और कसर ये लफ्ज था हसर की तरह है, नफी के बाद अलग बयान करना, यानी पहले किसी चीज की नफी कर देना और उसके बाद हर चीज अलग, यानी ला इला नहीं है कोई इला, अब उसके बाद अल्लाह के सिवा। तो इसको ये भी कहा जा सकता था कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है, लेकिन तमाम पहले इलाहों की जो है ना वो नफी कर दी गई, उसके बाद कहा गया द ओनली वन लेफ्ट नाउ इज अल्लाह। इन्नमा का इस्तेमाल, ये भी असर की सूरत है कि इसके सिवा और कुछ नहीं एक्सेप्ट के नियतों का दारोमदार अमाल पर है। वसल और फसल, दो जुमलों को अतफ से अलग किया जाए तो वसल है, और अगर दो जुमलों के दरमियान अतफ ना हो तो फसल है। और इसके होने और ना होने से माने में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जब अतफ होता है तो वो एक्चुअली पिछले जो कुछ कहा जा रहा होता है उस पर अतफ हो रहा होता है, यानी फल यदहकु कलीला वल यबकु कसीरा, तो बस चाहिए कि हंसे वो कम और चाहिए कि वो रोएं कसीरा, तो जैसे कि हंसे वैसे ही कि रोएं, उस पर अतफ हो रहा है। जबकि दो जुर्म अतफ ना हो तो माना में बिल्कुल फर्क आ जाता है। वमहलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो उनको मोहलत दी जा रही है काफरीन को, वो ऐसी मोहलत है कि वो रुवैदा, किसको रुवैदा का माना याद है, यानी उनकी जो मोहलत है वो रुवैदा, तो चेक करके बताएं उससे ऐप से। जी डॉक्टर अक्षंदा, क्या माना है रुवैदा का? सर जो मुझे याद है कि ये रूट टर्टल्स के रा बाओ दाल थे और राधा तो फेल था, तो उसका मीनिंग बनता था तलब में घूमना और नरमी से कुचलना और गैर महसूस तरीके से करना, तो ये उसका इसमें तस्खीर है रुवैदा। अच्छा राइट, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग यही होता है, इसका मीनिंग था ना कि उनको फिर ढील दे तू काफिरों को, गैर महसूस तरीके से ढील उनको ढील देना। रुवैदा, थैंक यू सिस्टर। तर्जुमे में थोड़ा सा लिखा हुआ रुवैदा है, क्या लिखा है तर्जुमे में? थोड़ा सा, थोड़ा सा वो यानी ऐसा ही मतलब हुआ कि वही जो सिस्टर ने कहा उसी तरह से आता है अमीर रुवैदा, यानी कि वैसे तो राधा राधा के रुदू है इसका सुलासी और मजीद फी में अरादा युरीदू है, तो से राधा युरीदू से बनता है रुवैदा, इसमें तस्खीर जैसे हम फोयल के वजन पे बनाते हैं ना। जी जी बिल्कुल, तस्खीर है तो जी तस्खीर है, तो मीनिंग तो इसके दो तीन आ जाते हैं। तलब में घूमने को भी कहते हैं नरमी से कुचलना, गैर महसूस तरीके से करना, और जैसे भाई कह रहे हैं वो तर्जुमा भी ठीक है।
तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, अब हम डायरेक्ट समझ लेते हैं इसको, तो ट्रांसलेशन के इतने उसमें नहीं घुसना पड़ता, डायरेक्ट कोई चीज समझ में आ जाती है, उसको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा होता बार बार, समझ आ जाती। राधा राधा यरूदूस है और इसका मुश्ताक लिखा हुआ है वही रुवैदा थोड़ा यानी लिटिल, किसी चीज की तलब या तलाश में घूमना, नरमी से चलाना, बिल्कुल सारे वही माने हैं रुवैदा। रा वाव दाल के रूट लेटर है, इसीलिए वो जो जब घास वगैरह उगती है ना, वो छोटी छोटी सी होती है, जब स्टार्ट हो रही होती है उगने पौधे, तो कहते हैं रुईदगी हो गई, मतलब आई गेस ये भी वही मीनिंग लगता है। उन जो जब नरम पड़ जाते हैं ना, वो नरम जी, जब नई नई हो रही होती है नरम नरम से, तो रुईदगी इस्तेमाल किया जाता है जमीन की रुईदगी और सांसी चीज। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये राधे का, राधा यरूदू नसरा का पैटर्न है। तो कलाम को मुख्तसर, तवील या उतना ही रखना जितना है, तो ये भी एक इजाज़ है, यानी कलाम को मुख्तसर रखना। तो अब थोड़ी सारे चंद अल्फाज में बात कर देना, वलकुम फिल के सास हयातुन या उलुल अलबाब, जबकि इतनाब में कलाम को फैला कर बात करना, यानी बात ये भी हो सकती है, तनज़ुल मलाइका भी काफ़ी था, लेकिन पर रूह उसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि मलाइका से मुराद कौन है उसकी, आप कह सकते हैं वाओ ये बयानी है, या उसको तफसीली एक्सप्लेन कर रहा है कि मुराद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तो जबकि मसावात में बराबरी ये अल्फाज, जितने अल्फाज उतने ही माने, उसमें कोई एक्स्ट्रा ना तफसील है और ना मुख्तसर किया गया है। इसका एग्जाम्पल देगा, वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाह, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी तुम भेजोगे अपने जानों के लिए, भलाई यानी काम भलाई के लिए भेजोगे इस दुनिया में करोगे, यानी उसको आगे भेजोगे आखिरत के लिए, तो तुम पाओगे अल्लाह के पास उसको, और वो आजमा अजर है मेरा ख्याल इसके बाद है, और उसको बहुत बड़ा अजर पाओगे उसके ऊपर साथ। अच्छा, इतलाक यानी छोड़ देना, कोई पाबंदी ना करना, इसका मतलब है जो बेसिक जुमला होता है, अगर आप कहें जिसके अंदर सिर्फ यानी इसके बगैर जुमला पूरा बन नहीं सकता, तो मुब्तदा और खबर तो बेसिक चाहिए आपको ना, इसके आगे सिफात ऐड हो सकती हैं, हाल हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है, तो मिनिमम जो जुमला है वो इतलाक है, यानी जिसके ऊपर यानी उसी पे छोड़ देना, उसी पे क्यास करना, पाबंद ना करना किसी और चीज़ का उसके साथ होना। जबकि तकयीद में होगा दोस्तों के साथ कोई जायद चीज आ जाए, यानी उसको कैद से आजाद कर देना, उस कैद से। तो इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, तो इंदल्लाह जरूरत नहीं थी, यानी अद्दीन अल इस्लाम, लेकिन जो उसमें एडिशन की गई है उसको यानी खुला छोड़ दिया गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उस पे जो उसकी कैद हटा दी गई है, तो तकयीद कर दिया गया। सादा जुमले जिक्र और हज़्फ़ की बात हो रही है, लफ्ज जिक्र जो है ना वो कर लफ्ज का जिक्र करना जब जरूरी हो, तो ज़ाहर अल फसाद, अगर कहा जाए ज़ाहर फिल बर वल बहर, तो क्या चीज थी जो जिसकी बात हो रही है, तो वो एक पैदा करता है इबहाम, तो जिक्र जरूरी है यहाँ पे। जबकि कई जगह पे हज़्फ कर दिया जाता है, अबस व तवल्ला कौन से मुराद है, तो उसको हज़्फ करने से माने में एक आती है कि जी तशनगी की वो कौन है कैसा है, तो बाकी कलाम से पता चलता है या गुफ्तगू से या किसी और जगह से कि किसकी बात हो रही थी। अबसा व तवल्ला, जब उनके पास एक आया शख्स जो नबीना था। तो मेरा ख्याल है आज के लिए यहाँ तक अगर आप अलाउ करें तो हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में इल्मुल बदी को टैकल करते हैं और उसके साथ हम एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि पूरे बलागा को कवर करेगा। क्या सब इस बात से इतफाक करते हैं, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। माशाल्लाह, ज़ियाउर रसूल भाई और मैं अग्री कर रहे हैं आज, उसे नुज़हत भी अग्री करती हैं। जी सर, सर मेरा एक क्वेश्चन। जी 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 सर, हमने ये जो अभी आपने एक एग्जांपल दी थी जो वर रूह वाली के मलाइका भी उतरते, तो
तो वहां तो वाओ को हम और के मानों में नहीं लेते के क्योंकि मलाइका प्लूरल चल रहा है, रूह जो है वो तो सिंगुलर चल रहा है, तो यहाँ पे तनज़्ज़ुलुल मलाइका यानी फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन हन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। मेरा नहीं इसका तर्जमा जरा चेक करें, मेरा नहीं ख्याल ये तर्जमा इसका इन्होंने किया होगा, ये कौन सी आयत है, ये इसको माजिद साहब जरा डालें ना सर्च में इसको। अल्लाह के हुक्म से। अच्छा तो यहाँ पर ये माना जो है, एक मिनट, ये वाओ जो है ये और के मानों में आ रहा है यहाँ पर क्योंकि मलाइका प्लूरल आ रहा है और रूह जो है सिंगुलर यानी ये उसको फैला दिया ना, मतलब मलाइका में वो शामिल तो थे लेकिन उनका अलग से जिक्र किया था। Exactly. इसमें इस तरह फैला दिया कि मलाइका के अंदर तो शामिल है पहले से, तो वर्रूह जो है ना यहाँ, थैंक यू फॉर द करेक्शन सिस्टर नुसरत, यहाँ पे वाकई बात हो रही है उनकी अलग से जबकि मलाइका में वो पहले से ही मेंशन थे तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी। राइट इसको 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 रिकॉर्डिंग से भी असफ कर दें, ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां। एनी अदर क्वेश्चंस? तो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं अंटिल नेक्स्ट वीक। सुभान अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।